कोई हक नहीं है। हमें उसे वापस लाने का फैसला फिर से सुधारना। नहीं चाची, चाची ऐसा करने से हम सिर्फ देव की जान को खतरे में ही डालेंगे। अगर हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे तो देव का पता कैसे चलेगा? एक मिनट वेट करने को नहीं होता क्या? हाँ बोलो, काम हुआ? ठीक है, मैं इस वक्त नहीं आ सकता, रात को आऊंगा। ओके। एक तरीका है। हाँ काजल, मैं जानती हूँ देव का पता कैसे लगाया जा सकता है। मैं लेकर जाऊंगी तुम्हें तुम्हारे देव के पास। यहीं गई है। चलो भाभी, आप प्लीज यहीं रुकिए, मैं उतरती हूँ। अरे काजल, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती। भाभी प्लीज, आगे जाने में खतरा हो सकता है, प्लीज आप यहीं रुकिए। इसीलिए तो काजल, मैं तुम्हें उस खतरे में अकेले नहीं जाने दे सकती। भाभी प्लीज, अगर आप वाकई मेरी मदद करना चाहती है तो प्लीज बस यहीं रुक कर आप पुलिस में इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं जाती हूँ। भाभी प्लीज प्लीज, अपना ख्याल रखना। Thank you.
इतना चौंका मत, तुम्हारे भाई सौतेला भाई यानी वो सब सिर्फ एक नाटक था। ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या लगा कि मैं कुछ दिनों के लिए अपाहिज हो गया और अचानक आसमान में कोई बिजली कड़की और चमत्कार हो गया और उस चमत्कार की वजह से मैं ठीक हो गया? समझाते क्या, सारी की सारी जायदाद तुम्हारे तुम्हारे नाम लिख दी। डोंट बी सो स्टूपिड देव, वो सब तो तुम लोगों को बेवकूफ बनाने का एक नाटक था। और जो विल थी ना, वो भी नकली थी। जैसे मैंने तुम्हें दिखाया और शीशे में उतारा, अब देख तुम्हें बताओ मैं क्या करता। इतनी आसानी से तो तुम कुछ भी मेरे नाम पे नहीं करते, सब कुछ अपनी पत्नी काजल के नाम पे करते। अच्छा वो जो पावर ऑफ अटर्नी के कागज तुम घर पे छोड़ के आए थे ना, वो महज एक कागज का टुकड़ा है, ये कुछ फ्रेश पेपर्स हैं विल के, तुम इन पे साइन कर लो, इसके बाद सब कुछ मेरा हो जाएगा। हाथ खोलो। यानी वो सब सिर्फ एक नाटक था, तुमने माँ पे इतने सारे झूठे इल्जाम लगाए। फिर वही बात थे। हाँ छोड़, एक बार बताओ अगर जायदाद मेरे नाम पे हो जाएगी तो फिर ये गिरना फिरना बैठना उठना ये सब की जरूरत ही क्या होती है? तुम्हें उस जायदाद में से एक फूटी कौड़ी निकलेगी, समझे? तो अच्छा मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुमसे साइन कैसे करवाना चाहिए। मुझे तुम्हारी कमजोरी है ना, तुम्हारी पत्नी काजल, काजल को कुछ हुआ ना करा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखा करो मैंने आज तक कभी भी किसी के सामने नहीं किया, लेकिन तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि काजल को कुछ मत करना, उसे कोई चोट मत पहुँचाना। कर तुम्हें जितनी भी चोटें पहुँचानी मुझे पहुँचा देना, लेकिन काजल को खुश मत करना प्लीज। अपनी बकवास बंद करो और साइन करो। चलो अब मैं तब तक साइन नहीं करूँगा जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता कि काजल बिल्कुल ठीक है। करने की आदत है ना, ये बचपन से है। मैं तुमसे साइन कैसे लेना मुझे अच्छी तरह मालूम। बांके तो इसकी कमजोरी है ना, जी बॉस। उसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है बॉस। काजल, वाओ, आई कांट बिलीव इट, मेरी किस्मत इतनी अच्छी है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। देखो देख तुम्हारी काजल खुद अपने देव के पास चल कर आई और मौत के पास भी। अच्छा काजल तुम यहीं कहीं छिपी हुई थी क्या देव को बचाने के लिए? हाँ सही कहा बॉस, यहीं बाहर खड़ी ताका झांकी कर रही थी। वैसे काजल अच्छा हो गया तुम यहाँ पर आ गए, वरना खाम खा तुम्हें ढूंढने में ना मेरा टाइम वेस्ट होता। वैसे ही तुम लोगों ने मेरा टाइम काफ़ी वेस्ट किया, लेकिन अब और नहीं, अब तो बस आर या पार। करण मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, तुम चुप रहो। एक लव सॉरी चुपचाप।
साइन करो वरना इसे गोली मार दूंगा। जस्ट साइन मत करना। तुम चुप रहो। देव, अगर तुमने साइन नहीं किया ना तो तुम जानते हो कि तुम्हारी तरह मेरे हाथ नहीं कांप पाएंगे। साइन मत करना। पांच तक गिनूंगा और पांच पर एक तो तीन चार एक मिनट कर। मैं सिर्फ एक शब्द पे साइन करूंगा। पहले तुम्हें काजल को यहां से जाने देना। अब वही ना, समझदार हूं अली। गुड। आप भी समझदार की तरह अपने हाथ ऊपर करो मिस्टर करण। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, अपने आप को सरेंडर कर दो। चारों तरफ पुलिस है लेकिन काजल मेरे साथ। देखिए मिस्टर करण, आप ये गलत कर रहे हैं। आगे मत आना इंस्पेक्टर। I shoot us. Move. तुझे तो मैं देखूंगा देव। करना होगा तुम्हें काजल। आगे मत आना देव। I shoot us. कोई आगे नहीं बढ़ेगा। बंदूकें नीचे फेंको। गोली मार दूंगा। काजल रुक जाओ। चलो। पुलिस को धमकी दे रहे थे ना? अब चलो अंदर। फिर बताता हूँ। थैंक यू मिसेज नंदिनी, आपने जो किया वो सच में तारीफ के काबिल है। सच चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना हो लेकिन उसके लिए अपने पति के खिलाफ हो जाना वाकई हिम्मत का काम है। थैंक्स अगेन। अभी आपने हमारे जो कुछ भी किया ना इस एहसान का बदला मैं कम से कम इस जन्म में तो नहीं चुका पाऊंगा। भाभी आपने आज सिर्फ सच का ही साथ नहीं दिया बल्कि मेरे सुहाग की भी रक्षा की है। जब भी मैं देव का चेहरा देखूंगी मुझे हर वक्त आपका एक यह एहसान याद आएगा। काजल, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। इसे एहसान मानकर मेरे फर्ज को कर्ज मत बनाओ। भाभी लेकिन बस ये समझ लो काजल कि अपने पति के कर्मों का प्रायश्चित आज मैं कर रही हूं। चलो घर चलते हैं वरना चाची परेशान हो रहे होंगे। तुम लोग घर आ रहे हो ना? भाभी मैं वो हम लोग थोड़ा बाद में। काजल समझाओ इसे। भाभी दरअसल वो मुझे कुछ नहीं सुनना है। काजल मैं तुम दोनों का बाहर इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आओ। जो तुम्हारी इज्जत करने की आदत है ना ये बचपन से है। और तुमसे साइन कैसे लेना है मुझे अच्छी तरह मालूम है। क्यों देव, ये हमारे साथ ही क्यों होता है? हर बार हर मोड़ पर किस्मत हमारे साथ ही खिलवाड़ क्यों करती है देव?
शायद यही हमारे प्यार की परीक्षा है काजल। कितनी बार हमारे प्यार को इन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा देख, कितनी बार। जब भी हम मिलने लगते हैं हालात फिर हमें अलग कर देते हैं। मैं तुमसे एक पल के लिए भी अलग नहीं होना चाहती थी, एक पल के लिए भी नहीं। काजल अब ऐसा कभी नहीं होगा, हमें एक दूसरे से अलग कोई नहीं कर सकता, कोई भी। और मैं इन खूबसूरत आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, कभी भी नहीं। हम कल सुबह ही जाकर फिर से साथ फेर लेंगे, और उसके बाद हमारी एक अलग दुनिया होगी काजल, जहां मैं होऊंगा तुम होगी, हम दोनों, सिर्फ हम दोनों काजल।